अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ में सब याद रखिएगा। और आज घर में गैस भी बंद था और लाइट भी ऑफ थी, तो इसलिए हमने कहा चलो आज सहरी बाहर से कराते हैं। तो हम ये जा रहे थे सहरी करने के लिए, और सुबह के टाइम में चुपचाप थी और कुछ जगह पर तो जहाँ पर मतलब ये होटल वगैरह बने होते वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। तो हम यहाँ पे ये पहुँच गए थे शहर बाबा फरीद होटल पे, तो उनका चलो यहाँ से हम नाश्ता सहरी कराते हैं। तो ये आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, बाइक तो इंतहा की थी, इतना यहाँ पे रश था। तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे निकले भी थे घर से, 2:45 पर हम घर से निकले थे और 3 हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ से हम 4 निकले हैं, तो अल्लाह के शुक्र रोज़ा बंद होने से पहले पहले हम घर पहुंच गए थे। तो ये आप चेक कर रहे होंगे कि रश कितना था, और हम यहाँ पे अब इंटर हो रहे थे। तो यहाँ से फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप बना लिया, साथ साथ क्लिप बनाते गई। तो आप चेक कर रहे हैं आगे अंदर से कितना ज़्यादा रश है। तो फिर अंदर मैंने इतनी वीडियो नहीं शूट की क्योंकि लोग फिर इतने ज़्यादा लोग थे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम अपना टेबल डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर हम बैठे हैं, और उसके बाद जी हम यहाँ पे बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखें ये कितने पर झूमर कलर चेंज हो रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ खाने का इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद हमारा खाना आ गया था। यहाँ पे हमने पराठे मंगवाए थे और साथ में हरी मंगाई थी, नहीं ख़त्म हो गई थी, फिर पाए आ गए थे, उसके साथ हमने लस्सी मंगवाई साथ। तो फिर हमने लस्सी पी और ना, तो यहाँ पे हमने सहरी करके फिर हम वापस घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। तो उसके बाद हम घर यहाँ पे मेरी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और यहाँ पे मैं सबके लिए दुआ मांग रही थी, अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे, और सब मेरी जो भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दे, जिसकी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। और उसके बाद दिन के टाइम मैं सो गई थी, तो मैं उठी थी नमाज के टाइम, फिर उठ के मैंने पहले हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, अपने ड्रेस प्रेस किया। तो फिर उसके बाद मुझे जुमा पढ़ने जाना था, तो फिर यहाँ पे बस ऑलमोस्ट उनका सूट प्रेस हो गया था। तो मुझे भूल गया था कि मैं शलवार भी प्रेस करनी है, मैंने समझा कि मैं कर ली, फिर मैं यहाँ पे दोबारा से शलवार को प्रेस कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने कर लिए थे कपड़े प्रेस। और तो उसके बाद फिर इतना कुछ भी शूट करने का दिन नहीं किया, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कुछ भी करने को दिन नहीं तक करा। फिर यहाँ पे मैं इफ्तारी बना रही थी क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर का रोज़ा था माशाल्लाह से। तो फिर हमने इफ्तारी बनाई, और बीच में कुछ क्लिप मुझसे डिलीट हो गए थे इफ्तारी के। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सर में दर्द हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सर में भी इतनी दर्द हो रही थी। यही था आज का ब्लॉग, यही होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आने वाली मुझे वीडियो आपको देखने को मिले। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, और दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।